हेलो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा था कि यह रिमोट मैंने लिया कहाँ से है और यह किस प्रकार काम करता है और इसको गाड़ी में लगाने से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी, साथ में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ जिसके द्वारा आप उस लिंक पर क्लिक करके रिमोट को परचेस कर सकते हैं और यह रिमोट काफ़ी अच्छा है। ये देखो दोस्तों, जैसे ही मैं रिमोट से बटन दबाऊंगा, चाबी नहीं लगी हुई है, और जैसे ही ये बटन दबाऊंगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। देखो, वापस रिमोट से बंद कर रहा हूँ, ये बंद। ये फिर से चालू कर रहा हूँ, लाइट चालू हो गई। तो यह है सिस्टम इसका। ये वापस लॉक करना है, ये बंद करना है, ये रिमोट से ये चालू, ये लाइट जलने लगी, ये बंद, ये फिर चालू। ये चालू नहीं है, ये चाबी से ये आवाज़ सुन लीजिए, ये बंद, ये चालू, ये फिर बंद, ये चालू, ये चालू, ये वापस बंद। लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा कि इसे ऑनलाइन कहाँ से लेना है। अगर आप पार्किंग में कहीं गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो आराम से आप गाड़ी को ढूंढ भी सकते हैं, तो इस टाइप के इसमें फ़ायदे हैं। ये देखिए, मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है और मैंने जैसे ही हॉर्न इसके बटन दबाया तो गाड़ी ने सायरन देना चालू कर दिया, अलार्म बजने लगा। कोई गाड़ी को टच करेगा तो उसमें लगातार अलार्म बजती है, तो इस टाइप से गाड़ी की सेफ्टी भी रहती है। और अच्छी कंपनी का रिमोट लेने से ये फ़ायदा है कि ये ख़राब नहीं होता। अगर लोकल कंपनी का ले लेंगे तो कुछ समय बाद हो सकता है ख़राब हो जाए। आपको एक मज़ेदार बात बतानी थी, फेसबुक पर मेरे कई सारे फ्रेंड हैं जिन्हें कई साल हो गए हैं, हमारे पास एक दूसरे के नंबर भी हैं पर हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। लेकिन यूट्यूब पर मैंने एक कमेंट्स में अपना मोबाइल नंबर दिया था तो कई लोगों ने मुझे कॉल किया और उनसे फ्रेंडशिप हो गई, तो उन्हें धन्यवाद और उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज भी दुनिया में इतने सादगी वाले लोग हैं, यह जानकर बहुत खुशी हुई। तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है। कुछ लोगों ने मुझसे बात करने के बाद गाड़ी खरीदी, उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो नई गाड़ी के लिए। मेरे चैनल पर आने वाले नए वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें यह बताऊँगा कि सभी धर्मों में प्रार्थना व पूजा करना क्यों कहा गया, ध्यान योग से क्या फ़ायदे हैं और उसका सही तरीका क्या है, पूरा कोर्स सिखाऊंगा। तो ज़रूर देखिएगा आने वाली वीडियो को, इसमें कुछ खास और यूनिक ज्ञान मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी लोगों से एक निवेदन करूंगा कि ट्रैफिक नियम का ज़रूर पालन करें, गाड़ी ज़्यादा तेज ना चलाएं और हमेशा हेलमेट ज़रूर पहनें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में जल्द ही। बाय।